हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीट द नीट बायोलॉजी बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं। ये बुक डॉक्टर एस के सिंह, जिन्होंने अपनी MBBS मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से की है। चलो शुरू करते हैं। ये एल्टिस वॉर्टेक दिल्ली से, ये एडिशन 2020 का बिल्कुल न्यू एडिशन है। ये 600 की है, मगर अमेजोन वगैरह पर थोड़ी कम रेट में अवेलेबल है। ये एल्टिस वॉर्टेक्स, ये पब्लिशर के बारे में दे रखा है, राइट्स रिजर्व। इस बुक के फीचर्स क्या हैं? स्ट्रिक्टली एज पर द न्यू रिवाइज NCERT सिलेबस, टॉपिक वाइज NCERT बेस्ड MCQ विद सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस कवर्ड अंडर टॉपिक मिसलेनियस क्वेश्चंस, अ लॉट ऑफ इमेज बेस्ड क्वेश्चन विद NCERT रेफरेंसेस हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड, पास्ट 10 ईयर नीट सॉल्व पेपर अरेंज टॉपिक वाइज विद NCERT प्रेफरेंसेज। और इसमें इस बुक में नीट 2020 का सॉल्व पेपर विथ एक्सप्लेनेशन एंड NCERT रेफरेंसेज भी दे रखा है। चलो, ये ऑथर यानी अपने जिन्होंने बुक लिखी है, डॉक्टर एस के सिंह, MBBS किया उन्होंने अपने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से, जो एसोसिएटेड है विद LNGP हॉस्पिटल, ये अभी एट प्रेजेंट एन अकेडमी पे प्लस एजुकेटर है। और ये फिर ये अपनी स्पेशल क्लासेस भी लेते हैं मॉर्निंग में 9 AM एंड नाइट में 8 PM पे। आप वहाँ भी उनसे पढ़ सकते हैं, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ये इस बुक के अंदर कंटेंट, इस बुक की खास बात ये है कि इसमें 11th एंड 12th दोनों अलग अलग टॉपिक दे रखे हैं। जैसे 11th के पेज नंबर 1 to 485 एंड क्लास 12th फिर अलग सेक्शन दे रखा है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखी है इस बुक को। ये क्लास 11th, इसके अंदर थ्योरी वगैरह कुछ नहीं दे, सो ओनली MCQ बेस्ड प्रैक्टिस बुक है ये, क्वेश्चन सॉल्विंग। इसमें व्हाट इज लिविंग के क्वेश्चन दे रखे हैं, टॉपिक वाइज दे रखे हैं। ये सेल्फ कॉन्शियसनेस, द अवेयरनेस ऑफ एनिमल इज द प्रॉपर्टी ऑफ किसकी, ऑल ह्यूमन बींग्स सेल्फ कॉन्शियस होते हैं बस। इसके अंदर ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, अमीबा। ये मैं आजकल नीट में क्या पैटर्न चल रहा है कि इसमें मैच द कॉलम ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो मैच के भी क्वेश्चन दे रखे हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के भी दे रखे हैं। फिर इसके अंदर जैसे फुल फ्रॉम ICZ एंड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ये दे रखा है। फिर सिस्टमैटिक्स, मैंजीफेरा इंडिका, ये वापस मैच है, सिस्टमैटिक्स है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ये इसके अंदर से कौन सा करेक्ट मैच है, ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। इसके अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, इसमें NCERT के तो क्वेश्चन के साथ साथ थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दे रखे हैं जो NCERT के थोड़े बाहर के, मगर ये क्या है जो अपने नीट के अंदर जो बाहर के क्वेश्चन आते हैं ना, 2-3 आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं कह सकते, सिलेबस से रिलेटेड होते हैं बट NCERT में दे नहीं रखा, तो उनके बारे में बता रखा है। इसके अंदर जैसे टैक्सोनॉमिक, ये आजकल सिक्वेंस और अरेंजिंग के क्वेश्चन चल रहे हैं वो भी इसमें दे रखे हैं, बॉटनिकल गार्डन कहाँ का सिचुएटेड है ये सब है। फिर इसके अंदर ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन, फिर ये मिसलिनियस क्वेश्चन है। इसके अंदर ये मैच हर्बेरियम दे रखा है, ये नीट 2013 का क्वेश्चन, नीट 22nd के अंदर दो बार पेपर हुआ था ना, तो उसका सेकंड नंबर का इसमें ये ऐसे दे रखे हैं। इसमें टॉपिक वाइज MCQ के, इसमें एक चीज़ है हर क्वेश्चन के जो एक्सप्लेनेशन है ना वो भी दे रखा है। अब ये देखिए आप, ये इजीली बॉइलिंग पॉइंट, ये अब इसमें इस बात पे भी दे रखा है कि किस लाइन से क्वेश्चन दे रखा है, NCERT 11 चैप्टर 1 के पेज नंबर 4 to 6 से, पेज नंबर 5 से ये क्वेश्चन था। जिस बच्चे को थोड़ी प्रॉब्लम है अगर ये मिल नहीं पा रहा है कि कहाँ दे रखा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा दे रखा है, ये पेज नंबर 7 से क्वेश्चन लिया रखा है, ये स्पीसीज SPGO। ओवरऑल ये बुक बहुत अच्छी है, हायरार्किकल ऑर्डर का क्वेश्चन दे रखा है, मोनोग्राफी, इमेज बेस्ड क्वेश्चन। अब अपन इसका कोई मॉर्फोलॉजी का रिव्यू करते हैं, या एनिमल किंगडम के अंदर भी इसके अंदर इमेज बेस्ड मिसलिनियस क्वेश्चन है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन चल रहा है, ये स्पॉन्जिला, इन सब के इमेज बेस्ड क्वेश्चन आजकल आते हैं तो वो सब दे रखे हैं, डेविल फिश आप दे सकते हैं, जैसे ये स्ट्रूथियो, ये ऑस्ट्रेच, पैवोट, मिसलिनियस क्वेश्चंस, हर चैप्टर में मिसलिनियस क्वेश्चन दे रखे हैं। और भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसका मल्टीपल रिविजन, गुड मार्क्स स्कोरिंग हो सकता है। अब मॉर्फोलॉजी के अंदर जैसे लीफ का हो गया, ये रूट, टॉपिक वाइज तो क्वेश्चन दे रखे हैं, द स्टेम के हो गए, लीफ के, मैच, इसमें फ्लावर के भी, टेट्राडायनामिक्स कंडीशन किस फूल फ्लावर में पाई जाती है, लिली के अंदर पेरियंथ होते हैं, ऐसे दे रखा है इसके अंदर क्वेश्चन। अब ये फ्रूट के बारे में, आर एक्सप्लेसेंटेशन, ये मैच दे रखी है, ये सीड के बारे में, एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, ये फैमिली जो अपने इंपॉर्टेंट फ्लावरिंग फैमिली है ना उनके बारे में दे रखा है, फेबियसी, सोलनेसी, लिलीसी, इमेज बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं, ये जैसे रूट कैप, जोन ऑफ एलोंगेशन, मैचुरेशन, ये स्टोरेज वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन बेस्ड अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, इमेज बेस्ड सॉरी। इसके अंदर एक चीज़ जो आप NCERT में आपको इमेज दे रखी है, आप उनके क्वेश्चन कहाँ सॉल्व करें, तो ये बुक बहुत अच्छी प्रेफरेंस के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, आपके हेल्प करेगी। ये एस्टिवेशन कौन से टाइप का पाया गया, ये मिस, इसके अंदर फ्लोरा फार्मूला, एलियम से पेन एनियन का फ्लोरा फार्मूला बताओ, मिसलिनियस क्वेश्चन है ये। और इसके अंदर एक एक चीज़ के क्वेश्चन दे रख
क्वेश्चन के सबके एक्सप्लेनेशन, 205 क्वेश्चन दे रखे हैं, रूट ऑफ एयर जोन। ओवरऑल बुक तो अच्छी है बहुत, एनसीईआरटी के पेज। इसमें एक चीज़ है जो आप क्वेश्चन को थोड़ी, जो एनसीईआरटी की डिक्टो लाइन उठा रखी है ना, वो भी इसमें लिख रखा है कि हमने एनसीईआरटी की स्पेस से ये वाली लाइन का क्वेश्चन बनाया है। ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन की कौन सा इमेज है अभी एनाटॉमी। अब थोड़ा अपन सबसे फेवरेट यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी की तरफ चलते हैं। ये सबसे, ये फोटो सिस्टम के भी इसके अंदर डायग्राम दे रखे हैं, कैल्विन साइकिल, कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, व्हाट आर कि कहाँ कहाँ एटीपी यूज होते हैं, प्राइमरी एक्सेप्टर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं ये नीट के। इसके अंदर AIPMT का 211 के क्वेश्चन, सारे PMT का, या BSC नीट 2016 का भी क्वेश्चन दे रखा है। फैक्टर्स ऑफ फिटिंग, ये आ गए इमेज बेस्ड क्वेश्चंस। इसके अंदर ये पूरा कि कैल्विन साइकिल कहाँ होती है, इसके पूरा प्रोसेस स्टेप वाइज दे रखा है। ये जेड स्कीम दे रखी है पूरी कि आपको इसके अंदर लेबरिंग करनी है जेड स्कीम की, और ये स्ट्रोमा लेमिले क्लोरोप्लास्ट का, इसमें आपको लेबलिंग करनी है जो डायग्राम में दे रखा है। अच्छी मिसलिनियस क्वेश्चन तो हर चैप्टर में है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी और टॉपिक वाइज है, और सबके सॉल्यूशन दे रखे हैं। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी में देखते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी का आप ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये चैप्टर अब लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट के टाइप्स ऑफ सीलियल मूवमेंट, अमीबॉइड, ये सब के बारे में क्वेश्चंस हैं। ये मसल्स के बारे में दे रखा है पूरा कि कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, मैकेनिज्म्स के ऊपर भी है। जो NCERT में जो अपन को टॉपिक दे रखे हैं ना, उन सब के ऊपर अलग से एक एक टॉपिक पर इन्होंने क्वेश्चन बना रखे हैं। स्केलेटल सिस्टम में कितनी बोन्स वगैरह हैं, ह्यूमन स्केलेटल में एक्रोमेनियन प्रोसेस, पेक्टोरल गर्डल, डेल्टॉइड्स कहाँ कहाँ होते हैं, ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। अब अपन देखें, जैसे इसके अंदर ये नीट, इसके अंदर नीट 2030 का साइनोवियल जॉइंट कहाँ होते हैं, साइनो नीट 2014 का विच अवर्ड अलाउ मूवमेंट, जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट, ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ गए। ये आप देख सकते हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नीट 2019 से लेकर के, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अभी आप देखिए इसके अंदर एक्टेन, ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। ये बीट द नीट बायोलॉजी, ये स्टर्नम वगैरह के क्वेश्चन है, रिब्स है, रिब केज है, ये थोरैक, लंबर, वर्टिब्रा कौन कौन से इसमें, ये सब दे रखा। ये देखिए अब जैसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसके अंदर हेल्थ का ये पूरी डेफिनेशन हो गया किसने दी थी, कॉमन हेल्थ एंड डिजीज। इसके अंदर अभी एक स्पोरोजॉइड हेपेटाइटिस बी वगैरह की कंडीशन, मैच के बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे इसके अंदर ये टेबल दे रखी है, तो इसके अंदर अपन को जो फिलअप्स बढ़ना है वो शेरिया वगैरह। अभी इम्यूनिटी के बारे में दे रखा है, ये नीट 2015 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए ना, उन सब के बारे में दे रखा है। डिजीज़ के जैसे एक्सकेरियस वगैरह के क्या होता है, इम्यूनिटी के बारे में, बेसोफिलाई कौन कौन सी एंटीबॉडीज़ होती हैं, फिर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर ये एड्स पूरे अलग टॉपिक दे रखा है ना, तो एड्स के बारे में पूरा बता रखा है, कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर ये अपने अल्कोहल, वो ड्रग्स एंड अब्यूज, अल्कोहल अब्यूज के भी एक क्वेश्चन, डोपामीन, चरस, कोकेन एक्सेट्रा के बारे में। अब ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर थोड़ा अच्छी में, ये किस बीमारी का है, ये पूरे लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया की दे रखी है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की, ये अपने एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर, हैवी चेन, लाइट चेन, इसके अंदर ये कौन सी लेबल है, ये अपने कौन सा टिश्यू है, लिम्फोइड ऑर्गन है, ये बहुत अच्छी बुक है। अब ये पूरा उसके अंदर रेट्रोवायरस का दे रखा है कि ये कैसे होता है, ये अब कौन कौन से मोफेन डायग्राम दे रखा है, चरस का, कैनाबिस सटाइवा, सेल्टुमिलेंट, पेन किलर, डिप्रेसेंट। ओवरऑल ये बुक बहुत अच्छी है, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इसको अमेजन वगैरह से परचेज कीजिए। Thank you.